हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रेडमी 13C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में अलार्म सेट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ये क्लॉक का ऐप होता है, इस क्लॉक के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे प्लस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको पहले तो ये आवर का टाइम आपको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है, आवर का टाइम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिनट का टाइम आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको AM और PM इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे रिंगटोन भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे अलार्म पे, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे रिपीट का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए इस पेज में आपको कस्टम का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे वीकली डेज आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप जो है ना हफ्ते के सातों दिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गिने चुने दिन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो दिन आप सेलेक्ट करेंगे ना उसी दिन अलार्म जो है बचेगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। अब आपको बैक पेज पे जाना है। अब यहाँ पर आपने वाइब्रेट के सामने इस बटन को भी चालू कर सकते हैं, जो आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना अलार्म के समय वाइब्रेट भी करेगा आपका फ़ोन, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको सबसे ऊपर राइट टिक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला, ठीक है। तो आपका अलार्म जो है सेट हो जाता है और ये बटन आपको चालू कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में अलार्म को सेट कर सकते हैं, ठीक है।